इस समाचार के प्रायोजक है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। संस्कारमयी वातावरण में अंग्रेजी शिक्षा की ओर एक कदम। दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद। विकासखंड के ग्राम दिगोरी में आयोजित संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज हमारे देश का संविधान ऐसे हाथों में है जहां कोई भरोसा नहीं। ये चिंता का विषय है। हमने और यहां बैठे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, यह चुनौती हम सभी के सामने है। ये चिंता का विषय है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम सब ने तो अपना जीवन काट लिया, जो बुजुर्ग हैं इन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, पर ये आगे आने वाली पीढ़ी का क्या हुआ? ये बच्चियां जो बैठे हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनका क्या होगा? तो यही आज चुनौती है हमारे सामने, हमारे नौजवानों के भविष्य क्या था? इस मौके पर अतिथि के रूप में पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरई ससाई, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति खेमसिंह डेरिया, जनार्दन लोखंडे, फिल्म निर्माता एवं पूर्व आईएएस अधिकारी रमेश ठेठे, राजेंद्र गवई, महामंत्री रिपब्लिकन पार्टी नागपुर और अन्य अतिथि मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सभी अतिथियों की उपस्थिति में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष और ग्रामीण जन उपस्थित थे। चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में चार लोगों को चोटें लग गई। इनमें एक महिला यात्री का सिर फूट गया तो वहीं एक महिला यात्री को कमर में चोट लगी। इनके साथ दो पुरुष यात्रियों को मामूली चोटें लगी है। मिली जानकारी के अनुसार आमला से जामसावली हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए सुबह पैसेंजर ट्रेन से पांडुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। स्टेशन पर यात्रियों को उतरने में देरी हो गई, इतने में ट्रेन चलने लगी और चलती ट्रेन में महिलाओं ने उतरने का प्रयास किया। इस प्रयास में जहां उर्मिला पति टंटी चोरे को प्लेटफॉर्म पर गिरने से सिर पर चोट लगी, वहीं अनीता सचाने को कमर में मोच आई है। तो आप जा कहाँ रहे थे? आमला जा रहे थे। तो यहाँ क्यों उतरे? यहाँ जा रहे थे, मंदिर जा रहे थे। जामसावली जाने आए थे? हाँ। आज सुबह पैसेंजर से? हाँ। कब आए थे? रात को आए थे, 4 बजे। कल शाम को आए थे? 4 बजे रात को आए थे, आज सुबह लाके खोला। महिलाओं के साथ ही टंटी चोरे और राजेश सचाने को मामूली चोटें लगी। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। उर्मिला बाई को सिर में चोट लगने के कारण घायल को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।